जो संविधान का पहला भाग है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो अनुच्छेद यहाँ पर एक से लेकर के चार तक है। तो पहला भाग में अनुच्छेद एक से चार तक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा जो भाग है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। जो संविधान का तीसरा भाग है वो आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35। भाग जो चार है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद यहाँ पर 36 से लेकर के 51 तक है। भाग जो चार ए है ये मौलिक कर्तव्य है, ये 51 का के अंतर्गत इनको शामिल किया गया। देखिए मूल जो संविधान था उसमें हमारे मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं था, लेकिन एमरजेंसी के बाद में जब आपातकाल में बहुत सारी स्थितियां खराब हुई और उसके बाद जब 42वां संविधान संशोधन आया तो उसमें मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया। हालांकि उस समय जब ये शामिल किया गया था सुनार सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर तो बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई थी, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो खास बात ये थी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल बने रहे। दरअसल ऐसा हुआ था कि जब हमारा इमरजेंसी आया था तो उस समय ये ज़रूरत महसूस की गई थी कि लोगों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, हाँ, क्योंकि देश में इस तरह की स्थितियाँ थी। तो उसी समय स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई, उसकी सिफारिशों पर इसे शामिल किया गया। विपक्ष ने बहुत ज़्यादा विरोध किया लेकिन बाद में ये संविधान में बने रहे, और बने ही नहीं रहे बल्कि 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में आया था उसके तहत हमारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए और उनकी कुल संख्या बाद में 11 हो गई थी। तो भाग 4A संविधान के अनुच्छेद 51, भाग जो हमारा 4A है 51 का के अंतर्गत है, मौलिक कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य में, कभी इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। भाग 5 में हमारा संघ सरकार द यूनियन गवर्नमेंट से 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। इसमें जो अध्याय पहला है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे जो अनुच्छेद 52 से 78 है, तो एग्जीक्यूटिव 52 से 78, फिर संसद पार्लियामेंट, तो यहाँ पर 79 से लेकर 122 तक याद रखना है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 123 में है। आपसे पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या, तो इसमें यही कि राष्ट्रपति अध्यादेश लगा सकता है, अध्यादेश का पावर होता है। अध्याय 4 इसमें है, तो उसमें संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक, न्यायपालिका से संबंधित प्रोविजन किए गए। तो जुडिशरी से संबंधित प्रोविजन हमारे भाग 5 के अध्याय 4 में 124 से लेकर 147 तक है। और अध्याय जो 5 है इसमें उसमें आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, और 148 से लेकर 151 तक ये आपके अनुच्छेद हैं। खास बात आपको याद रखनी है कि 152 से लेकर के 151 तक जो अनुच्छेद हैं वो हमारे संघ से संबंधित है। फिर आपका भाग 6 आ जाता है, और भाग 6 में आपकी राज्य सरकारें, राज्य सरकारें अनुच्छेद 152 है, इसमें भी आपके साधारण हैं 152 से 237 अध्याय जो सेकंड, इसमें कार्यपालिका है तो 153 से 167 अध्याय 3 में आपका राज्य का विधान मंडल है 168 से 212 अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 213। तो देखिए राज्यपाल भी अध्यादेश ला सकता है किस अनुच्छेद के तहत, 213 के तहत, ये आपको याद रखना है। जैसे 123 की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, वैसे ही अध्यादेश का जो पावर है 213 के तहत हमारा राज्यपाल के अंतर्गत है। और अध्याय 4 में राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232 तक, ये आपको याद रखना। और अध्याय जो आपका 6 है उसमें है अधीनस्थ न्यायालय, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो आपके जिला में जो कोर्ट होते हैं, तो उनके अंतर्गत जो प्रावधान है वो कहाँ पर है, 233 से लेकर के 237 तक। इसके बाद जो हमारा संविधान का भाग 7 था वो राज्यों से संबंधित अनुसूची का भाग था, और इसमें अनुच्छेद 238 था, इसे संविधान से हटा दिया गया था, क्योंकि जो हमारे पहले शुरुआत के जब राज्य थे तो वो इसी के अंतर्गत थे। जब बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम हमारा बना तो फिर नए राज्य शामिल किए गए और ये अनुच्छेद गायब किया गया। भाग जो हमारा 8 है उसमें संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज है, तो 239 से 242 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 9 में आपकी पंचायतें, तो आपको याद रखना भाग 9 में पंचायतें, और 243 से 243 ऋणा तक हैं अल्फाबेटिकली, तो 243 से 243 ऋणा तक। भाग जो हमारा 9 का है इसमें आपकी नगर पालिकाएँ हैं, तो नगर पालिकाएँ 243 ता से 243 छा, तो नगर पालिकाएँ 243 ता से लेकर के 243 छा तक है। भाग जो 9 का है तो ये आपका सहकारी समितियाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहकारी समितियों को संविधान के 97वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इनके लिए संविधान में कहाँ पर इन्हें स्थापित किया गया, भाग 9 खा में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, 243ZH से 243ZD, तो ये आपको याद रखना है आपकी सहकारी समितियाँ। भाग जो 10 है उसमें अनुसूचित जात और जनजात क्षेत्र हैं, 244 से 244 का तक अनुच्छेद है इसमें। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है आपके, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, 245 से 263 तक इसमें अनुच्छेद हैं। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक है इसमें। आपके दो अध्याय होता है, एक विधायी संबंध है जिसके अंतर्गत 245 से 255 तक आपको याद रखना है, और दूसरा आपका है प्रशासनिक संबंध, ये 256 से 200
63 तक आपको याद रखना। भाग जो हमारा 12 है उसमें वित्त संपत्ति संविधाएं और बात, तो जितने भी मैटर्स हमारे फाइनेंस से प्रॉपर्टी से कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये सारे के सारे मैटर कहाँ पर है, भाग 12 में। और 264 से 301 तक इसमें अनुच्छेद हैं। जैसे आप जानते हो कि जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार नहीं था, मूल अधिकार से खत्म कर दिया गया, उसे क्या बना दिया गया, एक संपत्ति का अधिकार बना दिया गया, यानी कि अब वो फंडामेंटल राइट ना होकर के एक विधिक राइट है, लीगल राइट है, और इसे संविधान में जो जगह दी गई है वो है 300A, है ना। तो ये 264 से 301 तक है। अध्याय 1 में वित्त है 264 से 291, अध्याय 2 में ऋण लेना तो 292 से 293। इसके अतिरिक्त जो हमारा अध्याय 3 है उसमें संपत्ति संविधान अधिकार बाध्यताएं वाद से संबंधित मैटर 294 से 300। और देखिए अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार, तो आपसे पूछे ना संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है, 300 का, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर इसे स्थापित किया गया। हमारा जो भाग 13 है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, तो भारत के राज्य से क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित प्रावधान वो हमारे अनुभाग 13 में किए गए अनुच्छेद आपको यहाँ पर याद रखना, 308 से लेकर के 323 तक यहाँ पर अनुच्छेद है। इसके बाद अध्याय जो इसमें 1 है इसी के अंतर्गत उसमें सेवाएं 308 से 300, भाग जो हमारा 15 है इसमें हमारी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ हैं, भाग 14 में क्षमा करें, भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएँ सर्विसेज हैं, आप जानते हो इसमें हमारा सारा लोक सेवा आयोग वगैरह आता है, तो 308 से 323 हैं, और इसमें भी सेवाएं हैं वो 308 से 314, और अध्याय 2 हमारा लोक सेवा आयोग, तो 315 से लेकर के 323। अभी पूछा भी गया था UPPCS में कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ पर है, मिलान करने वाला क्वेश्चन था, 315 से 323, तो ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अधिकरण जो है हमारे, तो ये हमारे भाग 14 का, तो ट्रिब्यूनल्स भाग 14 का 323 का से 323 का, तो ट्रिब्यूनल्स हमारे 323 का से 323 खा है। निर्वाचन जो है 324 से 329 का तक है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, तो स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, तो ये सर्टेन क्लासेस के लिए, तो ये आप याद रखिएगा 330 से लेकर के 342 तक है ये अनुच्छेद 330 से 342। तो भाग हमारा जो है ये 16 है। भाग 17 में हमारा राजभाषा का प्रावधान किया गया है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनके बारे में प्रावधान है, तो इसके लिए जो अनुच्छेद हैं वो 343 से 351 तक है, याद रखिए 343 से 351 राजभाषा है। इसमें संघ की जो भाषा है तो ये इसके बारे में प्रावधान 343 से 344 है। फिर प्रादेशिक जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं प्रादेशिक भाषाएं उनके बारे में जो प्रावधान है 345 से 347। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की जो भाषा है तो ये प्रावधान किया गया 348 से 349, और जो विशेष निर्देश आपको तो 350 से लेकर 351, यानी भाषा से संबंधित जो विशेष निर्देश दिए गए वो 350 से 351, तो ये राजभाषा से संबंधित। इसके अतिरिक्त आगे हम देखते हैं जो हमारा आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन, ये हमारा भाग 18 में है, तो 352 से 360 के विषय में ये अनुच्छेद इसके विषय में 352 से 360 आपात उपबंध। जो भाग हमारा 19 है उसमें बहुत से विषय हैं, प्रकीर्ण है, तो इसको 361 से 367 के अंतर्गत रखे गए हैं। और भाग हमारा जो 20 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन है, तो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन है भाग 20 में। भाग 21 में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो ये 369 से 392 तक है, तो 369 से 392 तक आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। जो हमारा भाग 22 है और जो अंतिम भाग है उसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन है, तो आप जानते हो संविधान का मूल पाठ जो था वो इंग्लिश में था, इसका हिंदी में निरसन किया गया। तो ये सारे जो प्रावधान हैं ये 393 से 395 ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, आपको फिर भी याद रखना है। तो ये आपके संविधान के भाग थे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं IAS BCS या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए पहली बात आप याद क्यों रखें, पहले तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे कभी भी डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि भाग 9 में क्या कहा गया है, है ना, भाग 10 में क्या कहा गया, या पंचायत की पंचायत से संबंधित प्रावधान क्या कहाँ पर हैं, या राजभाषा से संबंधित उपबंध हमारे संविधान के किस भाग में, पहला तो फायदा ये। दूसरा फायदा क्या है कि कभी भी आपसे अगर आर्टिकल पूछा जाता है और आपसे आपको कोई भी आइडिया नहीं होता तो आप एक जो आइडिया लगाते हैं, अगर आपको पार्ट याद है तो काफ़ी कुछ आप सटीक आइडिया लगा लेते हैं। मान लेते हैं आपसे पूछ दिया गया कि संघ की राजभाषा का प्रावधान किस में किया गया, अब आपको अनुच्छेद नहीं याद है लेकिन आपको पता है कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 है, ये आपके दिमाग में है। अब आप जब वहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता लेकिन आपके दिमाग में इतना कि राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 343 से 351, अब पता चला वहाँ अनुच्छेद दे दिया आपका कोई प्रावधान पूछ करके भाषा से संबंधित 344 अनुच्छेद, फिर 358, तो फिर पता चला 200 से नीचे आ गए और आपसे इस तरह से अनुच्छेद 4 अनुच्छेद आपको दे दिए।
तो आप समझ जाएंगे कि इसमें भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 343 से 351 के बीच होगा, है ना। तो आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये आंसर सही है। कई केसेस में आप तुक्का भी लगाते हैं तो पता चला उसको दो ऑप्शन कर लेते हैं तो आपको लिए तुक्का लगाना भी आसान हो जाता है। जैसे आपसे पूछा गया कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं 308 से 323, तो आप सेवाओं से संबंधित कोई प्रावधान आपसे पूछ लिया गया, आपको नहीं दिमाग में आ रहा है लेकिन आपसे पता है कि 308 से 323 के बीच अनुच्छेद है तो वो सही होगा, अगर ये अनुच्छेद नहीं है तो सही नहीं होगा। तो जो इसके बीच का अनुच्छेद है कम से कम आप वो आइडिया से लगा सकते हैं, इसलिए आप इसको याद रखें। और वैसे भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको सारे आर्टिकल संविधान के याद ना भी रहें लेकिन पार्ट याद रहना बहुत ज़रूरी है। आगे के सेशन में हम संविधान के कुछ मूल अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।